हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना फ़ोन लेने से पहले ही पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या लोकल है, किस तरीके से पता करें। ये सिर्फ दोस्तों सैमसंग के मोबाइल पे काम करेगी, ये जो ट्रिक है ये और अदर फ़ोन पे नहीं काम करेगी। तो मैं सैमसंग वालों के लिए बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल या लोकल है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, बहुत फ़ोन हम इमरजेंसी में ले लेते हैं, पता नहीं करते कि ये फ़ोन ओरिजिनल है या लोकल है, किस तरीके से लेके बस रख लेते हैं। बाद में पता लगता है 4 दिन या 8 दिन के बाद, यार ये फ़ोन तो फेक था यार, हमने चेक नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि सैमसंग एक इतना फेमस कंपनी है बहुत ज़्यादा, तो इसके डुप्लिकेट फेक बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन लोकल या ओरिजिनल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ही ऐसी टेक्नोलॉजी की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने सबसे पहले डायल पैड में जाना है, जो डायल होता है जैसे फ़ोन नंबर लगाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जाना है। वेट दोस्तों। तो ओके दोस्तों, अब हमें क्या करना है डायल पैड में, तो मैं बताता हूँ आपको। अपना सिर्फ स्टार हश और ज़ीरो दाबना है, ये डायल करना है। फिर उसके बाद आपको एक स्टार और एक हश दाबना है, बस ये आपको काम करना है और डायल कर दीजिए। ओके, इसके बाद आपकी एक विंडो ओपन होएगी, नई विंडो। उस विंडो में आप देखना कि उसमें कलर आएंगे 3। अगर ये 3 कलर आपके पूरे हो गए तो समझ लो आपका फ़ोन ओरिजिनल है। अगर ये आपका फ़ोन ओरिजिनल नहीं है तो वो कलर पूरे नहीं भरेंगे, उसमें 3 खाने आएंगे। 3 खाने चेक कर लेना आप कि ये खाने ओरिजिनल हैं या लोकल है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड किस तरीके से। तो दोस्तों मैं अपने फ़ोन पे ओरिजिनल वाले पे आ गया हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ध्यान से देखना दोस्तों। तो ये सैमसंग का फ़ोन है मेरा, तो मैं सैमसंग के फ़ोन पे आपको बता रहा हूँ। तो मैंने स्टार हश और ये 0 क्लिक किया, उसके बाद हमें फिर एक स्टार फिर हमें यहाँ पे एक हश, ये देखना ऑटोमेटिक ही ये खुल गया देखना। अब हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा फ़ोन ओरिजिनल है या लोकल। अगर जी मैं रेड क्लिक करता हूँ तो ये रेड आएगा, फिर हमें वापसी लेना, ये देखो। ओके दोस्तों, और ये ग्रीन है तो ग्रीन का हमने लिया, ये ग्रीन आ रहा है, तो ये फ़ोन हमारा सही है, ओरिजिनल है दोस्तों। ये जितने भी हैं कलर हमारे इस फ़ोन के अंदर, जिसे भी हम टच करेंगे तो समझ लेना कि हमारा फ़ोन ओरिजिनल है। और जिस भी खोलेंगे टच करेंगे जो भी कलर है वो ही आएगा, तो ओरिजिनल। ये देखो वाइब्रेशन में भी है रहा है, आवाज़ आ रही होगी, ये देखो वाइब्रेशन है इसकी। ओके दोस्तों, और जी हमें हम यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से टोटल जो चीज़ें हैं इसके अंदर, सेंसर भी, कौन सा सेंसर है हमारा इसमें, ये देखो ये सब बता सकता है कौन सा सेंसर है। ये बहुत ही अच्छे ट्रिक है दोस्तों, ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। सेंसर मेगा कैम कितना महंगा है, ये हम यहाँ पे महंगा है, ये सब बता सकता है। ये देखो मतलब कि फ़ोन का मेगा पिक्सल कितना है, कितना क्लियरिटी, सब बताएगा। ये टॉर्च है, टॉर्च ये देखो दोस्तों, ये सब, ये बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है दोस्तों। आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन लोकल या ओरिजिनल कैसा है फ़ोन, ये आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि इससे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो यहाँ से कि आपका फ़ोन ओरिजिनल या लोकल किस तरीके से। ये देखो इस पर लिख के पता कर सकते हो कलर ये कैसे कैसे आ रहे हैं। ये है, अगर कलर आपके ब्लू हो रहे हैं टोटल तो समझ लेना, ग्रीन सॉरी, तो समझ लो ओरिजिनल फ़ोन है आपका। ये देखो ये ओरिजिनल फ़ोन है, सब बता रहा है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन ओरिजिनल या लोकल है। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने सीख लिया ओरिजिनल फ़ोन और लोकल फ़ोन किस तरीके से चेक करा जाता है। दोस्तों आप जो मैंने नंबर बताया है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों।